ओके यस एवरीवन, सो एक लास्ट कॉन्सेप्ट ये हमारा समझना बाकी है। हाँ, ये मैं आपको समझा रही थी कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड नहीं हो रहा है क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्राइस कम कर दू, बट देर इज नो चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, समझे। तो काफी बार कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें ऐसा हम लोगों को देखने को मिलता है, समझे। काफी ऐसी चीजें हैं, काफी ऐसे लोग होते हैं, मतलब ऐसा सोचते हैं कि भाई अब चाहिए तो चाहिए वो चीज, मार्केट में वो चीज की पहले भी उतनी डिमांड थी, अभी भी उतनी डिमांड है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड हो ही नहीं रहा है, समझे। तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो प्राइस में भाई चेंज आ जाता है या प्राइस कम हो जाते हैं, परसेंटेज चेंज प्राइस में हो जाता है बट डिमांड में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। अब क्लियर, किसने पूछा था? यस मैम। अच्छा ओके, हाँ ओके, ठीक है। सो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है इस अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने वही दिखाया था प्राइस में अगर परसेंटेज चेंज इंक्रीज भी होता है लेकिन डिमांड में नहीं होता है। चलो सो अभी हम लोग लास्ट कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या है लास्ट कंसेप्ट? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी होती है इनफिनाइट। सो इनफिनाइट कब होगा? व्हेन देयर इज इनफिनाइट चेंज इन डिमांड। प्राइस जो है वो 10% बढ़ रहा है और वो कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे रुक हो गया, बस इससे ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ रहा या प्राइस कम नहीं हो रहा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन जो डिमांड है, से फॉर एग्जाम्पल मैं प्राइस को कम कर दी थी, 10% कम कर दिया मैंने प्राइस, ठीक है। लेकिन जो क्वांटिटेटिव चेंज इन डिमांड है ना, वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। इनफिनाइट चेंज इन डिमांड हम काउंट ही नहीं कर सकते उस चीज को। सो इसका कंसेप्ट कैसे है? तो हमारा आंसर है ना इनफिनाइट आएगा। देखो ये हमारा प्राइस और डिमांड, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल पहले 10% डिमांड थी, अभी भी 10 ही है, लेकिन जो डिमांड है, सॉरी प्राइस 40, ठीक है, 50, 60, 70, 80 ऐसा होते जा रहा है, तो बढ़ती चली जा रही है क्वांटिटेटिव डिमांड। देखो और यहाँ पे हमने 10, 20, 30, 40, 50 लिया, ठीक है, और यहाँ पे 10, 20, 30, बट पहले क्या था? 10 पे 40, फिर आया 10 पे 50। सो दिस इज लाइक एक हॉरिजॉन्टल हो गया हमारा कर्व। यहाँ अगर मेरे को 10 की जगह पे 20 भी लेना हो, तो भी देखो इट्स लाइक अ हॉरिजॉन्टल कर्व। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है हमारा कर्व, डिमांड कर्व, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इक्वल्स टू इनफिनाइट। डिमांड चेंज होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, लेकिन प्राइस रुक गया है वहीं पर, प्राइस में चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है वर्ड कॉन्स्टेंट। प्राइस क्या हो गया है? रुक गया है, प्राइस में चेंज नहीं हो रहा, लेकिन डिमांड चेंज होती जा रही है, होती जा रही है, या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, समझे। बट मैं आपको ये चीज बताऊं, सो दिस इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल इन अ प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कंसेप्ट पॉसिबल नहीं है। ये कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है एक स्टडी पर्पस के लिए, जस्ट तो भाई स्टडीज हम लोगों को कैसे थियोरिटिकल कंसेप्ट निकालने हो, करने हो,
तो ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होना इम्पॉसिबल है कि प्राइस चेंज ही नहीं हो रही है, क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है. ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसका प्राइस कॉन्स्टेंट रुक गया, राइट. सो दिस इज ओनली अ प्रैक्टिकल कंसेप्ट. मतलब यहाँ पे अगर प्राइस वाइज ऐसा बोल रहा है कि भाई कॉन्स्टेंट रुक गया, जैसे मैंने आपको बोला, अभी अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा भी तो सारे प्रोडक्ट का एक जैसा बढ़ेगा, ऐसी चीज है. बट ऐसा कैसे पॉसिबल होगा प्रैक्टिकल लाइफ में? सो इस कंसेप्ट हम पढ़ते हैं ये कंसेप्ट को, बट दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल कंसेप्ट. ठीक है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ. ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है कि ऐसा प्राइस रुक गया, समझे? यस और नो? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. हाँ, ओके. तो ये रहता हूँ. वो मुझे जा रहा है हर किसी को. एक मिनट में देती हूँ. मम्मी फोन है. करम थी. करम प्लीज. सॉरी क्या हो गया? हाँ हाँ हो जाता है, हो जाता है, कोई नहीं. ठीक है, सो एवरीवन क्लियर ऑल द फाइव कॉन्सेप्ट्स? किसी को कोई डाउट है? यस, डाउट है, बोलो. क्या डाउट है बोलो? यस, एनीवन? एनी डाउट? पांचों कॉन्सेप्ट्स में से, पांच कॉन्सेप्ट में सबसे पहला रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, जिसमें मोर देन वन होता है आंसर हमारा. रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, जिसमें लेस देन वन होता है हमारा आंसर. देन थर्ड यूनिटरी इलास्टिक इक्वल्स टू वन. एंड फोर्थ वन परफेक्टली इनइलास्टिक, जहां पे डिमांड में चेंज देखने को नहीं मिलता है, प्राइस चेंज हो सकती है. बट द लास्ट कॉन्सेप्ट दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, तो यहाँ पे तो चेंज ही चेंज होती जा रही है. क्वांटिटेटिव चेंज इन डिमांड ज्यादा कंसेप्ट हमारे को, मतलब ज्यादा चेंज देखने को मिल रहा है, बट द प्राइस रिमेंस कॉन्स्टेंट. सो ये पांच कंसेप्ट हमारे, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, समझे? जिसमें मोर देन वन भी हो सकता है, लेस देन वन भी हो सकता है, इक्वल्स टू वन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और इनफिनाइट चेंज इन डिमांड भी हो सकता है. But infinite change in demand is actually not a practical concept. This is only a theoretical concept. So, हम ऐसे book में पढ़ रहे हैं, ऐसे real जिंदगी में हम लोगों को ऐसा सब कुछ नहीं दिखेगा. ठीक है? Okay, everyone, clear? Yes or no? Yes, tell me. चलो, सो दैट्स इट अबाउट टुडे. हम लोग बाकी का पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी. यहाँ तक ये था कि कंसेप्ट, उसका मीनिंग क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, एंड देन टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी. बट दिस टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्क में पूछा जाता है. ठीक है, तो सब लोग अच्छे से इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे. ओके, चलो. So, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू. हैव अ नाइस डे एवरीवन.